नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान मार्केट टाइम्स टीवी के लिए आज हम मौजूद हैं कोटा के अनाज मंडी में और हमारे साथ व्यापारी जुड़े हैं सोनू मीणा जी, जिनसे आज हम लहसुन के भाव को लेकर बात करेंगे कि आज मार्केट में जो है लहसुन के क्या भाव हैं और आगामी दिनों में कहाँ तक जो है लहसुन के भाव चढ़ेंगे। सबसे पहले तो सोनू जी, आपका स्वागत है मार्केट टीवी टाइम में। जी सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में लहसुन की क्या भाव चल रहे हैं? वर्तमान में भाव चल रहा है आज 30 रुपये से लेकर 70-60 रुपये तक छर्री बिकी है, और मीडियम माल जो 70 से लेकर 100 रुपये तक, और लड्डू मिक्स माल बिका है 80 से लेकर 120, और फुल एक्स्ट्रा माल बिका है 12,000 से लेकर 15,000 से 16,000। 16,000 तक आज के भाव गए हैं आज के 16,000 तक। कहाँ कहाँ से जो है आज माल आया, कितनी बोरी आवक हुई है? आज मंडी में 5,000 कट्टों की आवक हुई है। इधर MP बॉर्डर पे अकलेरा मनोर थाना, इधर 12 मंडी में आवक ज़्यादा है, तो 12 से पलायता से, इधर खानपुर से, इधर से माल आया, क्योंकि भामा साहब आवक पूरी होने के बाद फुल मंडी हो चुकी है, तो आज उन्होंने आवक बढ़ने के कारण उन्होंने बंद कर दी, माल उठाव नहीं हो रहा, तो मंडी आज बंद है, इसलिए यहाँ आवक ज़्यादा होगी आज। जैसा कि बोली जो लग रही है वो शाम तक भी लग रही है आवक ज़्यादा होने से। हाँ, कल शाम को 5 बजे तक बोली लगी थी, पूरा माल बिक गया था, और आज भी लगभग 5 बज जाएंगे बोली में। सोनू जी, किस क्वालिटी का जो बेहतरीन माल है जो आ रहा है, इसकी रेट सबसे ज़्यादा है? सबसे माल आ रहा है टोस्ट माल, जो विदिशा क्वालिटी का आ रहा है ना टोस्ट माल, वो बिक रहा है 12,000 से लेकर 15,000-16,000 तक 16,500 तक, माल टाइट हुए हैं वो वाला। जैसा कि सोनू जी, मंडियों में और भी जगह से लहसुन आ रहे हैं, और यहाँ तक कि भी क्या अलग अलग मंडियों में जो है 20,000 तक 25,000 तक भी जो है लहसुन के भाव जा रहे हैं, कोटा की मंडी में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? सर, वह आज से 4-5 दिन पहले का भाव था, जब मंडियों में आवक कम थी। अब मंडियों में आवक थी जब 7,000-8,000-10,000 कट्टे, और माल की डिमांड थी, अब अचानक किसानों को फसल आई और भाव बढ़े, तो किसानों ने एकदम से मंडियों में लाकर खड़ा कर दिया। मंडियों में माल उठाव नहीं हो रहा, व्यापारी कहाँ तक माल खरीद देगा एक दिन में? तो हर जगह पर खानपुर मंडी का देखो आप, माल वापस जा रहा है, माल की आवक इतनी हो रही, बामा साहब को बंद करना पड़ा, 12 में भी बहुत ज़्यादा आवक हो रही, तो उस वजह से भाव में तो कटर तो आएगी। क्या अभी किसानों ने भी जैसे कुछ स्टॉक बचा के रख रखा है कि भाव आए तब निकालें, ऐसा? कुछ बड़े किसानों ने तो रोक के रखा है, और छोटे जो किसानों की ज़रूरत है तो वो तो लाएगा, उसको ज़रूरत के हिसाब से काम करना है। किसी की अब शादी ब्याह का सीजन चल गया, तो वो ज़रूरत के हिसाब से लहसुन ला रहा है, और क्या इस बार चुनावी माहौल है ना, तो किसानों को एक डर ये भी है कि बाद में अगर सरकार चेंज हो गई, टैक्स वैक्स लगा दिया, भाव गिर गया, इससे भी ज़्यादा हो जाए, जैसे 2 साल पहले हुआ था सीजन में 6,000-8,000-10,000 बिका था, बाद में 5 रुपये किलो बिका। तो इसी डर को देखते हुए माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की, चुनाव से पहले माल बेचने की सोच रहे हैं कि बाद में कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी कर सकती है, उसका डर किसान। इसी डर की वजह से जो है मंडियाँ फुल चल रही है, सब जगह जो माल पहुंच रहा है आ रहा है। क्या लगता है, तो जैसे अभी चुनाव का सीजन है, चुनाव लोकसभा चुनाव होने राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को, इसके बाद क्या मई में लगता है कि कुछ उठान होगा? हाँ, इसके बाद मंडी में उठाव भी हो सकता है, न जाने कौन सी नीतियाँ भी लग सकती है, इसका दबाव किसानों को है, और किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत यही, इस साल फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, उसमें रोग लगा है, तो वो रुक नहीं सकता, लहसुन रुक नहीं सकता, तो जो रोगग्रस्त लहसुन है वो मंडियों में आ रहा है, बढ़िया माल तो उन्होंने स्टॉक करके रखा है, जो भाव के इंतजार में क्योंकि ख़राब नहीं होता, और जो अभी माल आ रहा है वो ख़राब होगा, इसलिए मंडियों में आवक तेज़ हो रही है। जी, जैसे कि व्यापारी सोनू जी ने बताया कि मंडी में अभी लगातार आवक बनी हुई है, इसलिए भी थोड़े से भाव जो हैं कम हैं, लेकिन फिर भी कोटा की मंडियों में जो लहसुन का भाव वो 16,000 तक पहुँचा है, और कुछ ख़राब क्वालिटी का जो है लहसुन हुआ है इस बार, जो पैदावार हुई है, किसान भाई उसको जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं आगामी चुनावों को देखते हुए, कि कल को पता नहीं कल क्या भाव रहे, इस चक्कर में भी जो है अब मंडियां फुल होने लगी हैं और जो भाव हैं वो 12 से लेकर 16 के बीच चल रहे हैं। मार्केट टाइम्स के लिए कोटा से आसिफ खान।